बाय चांस दो ग्रुप उत्थे भी होण, कदी भी उन्हां दी बंदी एक टाइम ते नहीं खुलदी, एक नूं एक वक्त खोलिया जांदा, दूजे नूं दूजा वक्त खोलिया जांदा। सो दो घंटे लगातार ये जिहड़ा काम होया ये बकायदा तौर एक साजिश दे अधीन होया। सिद्धू मूसेवाला जी का जिहड़ा कतल है ओदियां जिन्नी भी एविडेंस है उन्हें आहिस्ता आहिस्ता मकान की कोशिश की जा रही है। सो हुण मैं सा बलकौर सिंह जी नूं एक गल करांगा। ओए एक मिनट आराम ना कर लो यार, आराम ना कर लो, कमल ना कुछ आराम ना यार, आराम सियाणे बणे प्रोफेसर। मेरा अज इत्थे आना मजबूरी, बस मैं इत्थे पहुंचे शौक नाल नहीं आया। पिछले 10 महीने तो लगातार मैं बहुत सियाणप विखाई, मैं बहुत प्रशासन नू पुलिस नू वाधू टाइम दे के आया, खुला जाऊँ अज हो जूगा कल हो जूगा, परंतु जो कुछ हो रहा है मेरे बच्चे दे मर्डर नू दबन की खातर हो रहा, जो महत्वपूर्ण उस गवाइया ने उन्होंने खत्म किया जा रहा है, जिहड़े कल भी मर्डर होए ने उन्होंने हले तक कोई बयान नहीं दर्ज होए, हर एवरीथिंग कोई भी चीज़ मेरे हक च नहीं जा रही, तो मजबूरन मैनू विधानसभा के अगे बैठना पै और जिन्ने दिन इन्हों का सैशन चलूगा मैं बैठूंगा। तो लगता जांच नूं प्रभावित किया जा रहा जी किसी न किसी तरीके दे नाल? प्रभावित नहीं जी, खत्म किया जा रहा है। जांच खड़ी कित्थे आ तुसीं दसो, एड्डी वड्डी सैलीब्रिटी का कतल होया, विश्व दीआं जिहड़ीआं ब्रिटेन की तुसीं ला लो अपनी इंग्लैंड की संसद के विच रौला पैंदा है, यूएसए के विच रौला पैंदा है, विश्व पद्धर के उत्ते लोकां दे विच रोस है, सारे भारत वर्ष के विच रोस है, पर साडी गौरमेंट क्यों नहीं मैं साडी गल सुन रही इस गल। बिल्कुल होनी चाहिए, जो हाले तक तो हो ही कुछ नहीं है, केवल तो केवल जो शूटर इनवॉल्व हुई शुरू के जो पहले उ बंदे फड़े हुए अंदर, उन्होंने भी कुछ हूँ मारिया जा रहा, किसी कट वो गवाइया भी जो खत्म की जा रही ने, कि जो तक केस ने अदालत तक पहुँचना है हले हले सप्लीमेंटरी चलान पेश हुए ने, चलान कंप्लीट नहीं होया। जिहड़े असी मास्टरमाइंड कह रहे हैं, देखो मेरी मेरी विधानसभा अगे पहुँचने की यह गल है भी असी मैं पंजाब का रहने वाला, कानून मेरे मुल्क का मेरे ते भी उही लागू होवे, गैंगस्टर ते भी उही लागू होवे। एक कतल हुंदा सियासी लीडर का किसी का, साजिश घाड़े सारे फड़ लैंदे हो, सजावां भी पूरियां कर दिंदे हो पर फिर भी नहीं छड़दे। मैं एक आम बंदा, मेरे का कतल भी हो गया, केवल शूटर फड़ ले और साजिश घाड़े पर उंगली, मैं 22 नेम भी दस चुके भी फलाने फलाने बंदे फड़ो, इन्हां ने मेरा पुत मरवाया, उन्होंने कुर्सियां दे बहा के मोड़ दिता जाता है। शुरू के बिच फड़े तो पुलिस ने जिहड़े फड़े हुए से वह भी भजाते, तुहाडे सामने ही है सारी गल, सोशल मीडिया पर आई हुई है। तो जदों मैं हुण बिल्कुल बेआसरा हो गया, मैनू लग्या भी हुण मेरे किते सुनवाई नहीं होनी, तो मैनू भरावो नींद नहीं आती रात को, मैं इन सड़कों पर बह के मरना पसंद करूँगा। बलकौर जी कहा जाता है कि 30 तो 35 गैंगस्टर फड़ ले आ इंसाफ दवाने के लिए, सरकार कहती है कि पूरी वाल आ रहे हैं, वो गैंगस्टर कौन ने? वो गुरगे ने, केवल उन्होंने दिहाड़ी ली है, दिहाड़ी लेके गोलियां मार के चले गए ने, वो उन्ने इनवॉल्व नहीं है, जेडे मास्टर माइंड है जिन्होंने मेरे पुत्र को टारगेट किया। गोल्डी बराड़ के खिलाफ की कार्रवाई हुई है? रेड कॉर्नर हो गया, उन्हें सैलम उत्थे लाती है, वो आराम ना बैठा है। मैं उत्थे कह भी जे तुसी इनाम नहीं जारी कर सकते, आस्ट्रेलिया का बंदा फड़िया आके इतों 5 करोड़ अगलिया ने इनाम जारी किया,
उन्होंने किसी ने किसी लालच बस उन्होंने वो फड़ाता भावें किसी रिश्तेदार को ही बैठा हो। मैं कहा भी मैं 2 करोड़ रुपया टैक्स भर दा थोड़ा साल का, तुसीं मेरे वाला ही रख लो जां मैनूं दसो मैं किवें ना किवें पैसा इंतजाम करके दूंगा तुहानूं दूंगा। तुसीं कोई उन्हां नूं उन्हां ते इनाम तां रखो कोई। गोल्डी बराड़ दे उत्ते की प्रेशर इस टाइम दे उत्ते सीएम साहब बयान दिंदे ने। गोल्डी बराड़ दी साडी देख रेख दे विच है। अगले ने मूँह चढ़ाता अगले दिन तड़के भी कौन कहता गोली मार के मर जाएंगे सानू कौन फड़ लूगा जिंदियां नूं ते कीते कीते विश्वास करिए। जे पंजाब स्टेट की अथॉरिटी नहीं कुछ पता तो मैं एक बूथ लैवल का बंदा मैं की कर सकता। देखो जी जे पंजाब के हाथ खड़े ने तो बिल्कुल सीबीआई नूं जांच करनी चाहिए इस गल की मुकम्मल और टाइम बाउंड दे विच करनी चाहिए है। ये थोड़ी है भी हूँ मैंने 11 महीने तो हो गए मेरा हाल तक चलान पेश नहीं होया हूँ दो ढाई साल सीबीआई ला दे उदों तो असं चल बसांगे भाई। असं दोनों तंदुरुस्ती हार्ट पेशेंट हो चुके हैं दोनों। वजह की है क्यों नप्या जा रहा साडा केस की मैं मेरा पुत सरकार का कमाऊ पुत सीगा साडा इको ही बैंक अकाउंट है। बड़ी इमानदारी सरकार नूं टैक्स पे किया 2 करोड़ रुपया एक जिमीदार के जवाक लिए कुछ थोड़ी छोटी गल नहीं और मिले कि सानू 4 गनमैन दिते फिर असी बलतेज पन्नू के खिलाफ आदि पोस्ट कितने है आ पढ़ो पोस्ट 28 तरीक न विवादित गायक सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है। अगले दिन जदों वह मारा जाता है तो सब तो पहला खबर इन्हों की आ जाती है दसो सिक्योरिटी किने लीक की कि गैंगस्टर अनाउंस करके दसया गया भी अच्छ सिद्धू मूसेवाला हथ अज घर भी बढ़ जाओ जे मेरा पुत जवार के ना घेरिया जाता तो उन्होंने रात को घर वड़ के खिड़की विच दी ग्रेनेड सिट के मार देना सी साडे घर वड़ के हमला करना सी। देखो असी आजाद मुल्क दे विच रह रहे हैं साडी पोजीशन देखो किहो जी है। मैं दसो की गलत काम करना हूँ कि मैं आपदे जवान पुत दी पैरवाई केस दी ना करा। 18 तरीक नूं धमकी आ गई 24 नूं आ गई 27 नूं आ गई 25 अप्रैल तो पहला तैनूं मार देंगे इहो जिहा प्रशासन है। अच्छा जे हुण उस बंदा वो जोधपुर तो बंदा रहने वाला है फड़ लिया अके जी वह नाबालिग है नाबालिग भावें मेरे गोली मार के भी चला जाए कोई क्राइम नहीं दसो इन्हां ते की कार्रवाई दी मांग कर रहे हो। कार भी कोई पुछता होवे सिक्योरिटी चलो मेरे को हैगी है सिक्योरिटी का मैं सरकार पूरे ना मेरी गल सुनो असी पए हां अके जमा मैं सरकार नूं कहना भावें मेरी सिक्योरिटी ले लो वापस असी लड़ांगे सिर ते कफन बन के असी गवर्नमेंट दी सिक्योरिटियां ते भी हुण अके पए क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत हाथ बन्ने सिक्योरिटियां लई आ पिछे रंधावा साहब बैठे ने ते मैनूं कह दिंदे ने तुसीं कोई कांग्रेसी स्टंट कहू कोई कुछ कहूगा पर जिन्ना चिर रही मेरा बच्चा बचा लिया जिद्दे सरकार बदल गई वीरो मैं कखों हौल हो के बह गया। सीधी गल मैं तुहानूं दस्सां जिहड़ी गल किसे ने मदद की कोई इतराज़ नहीं। इस वेले सिद्धू मूसेवाले के माता पिता जिहड़े कि बाहर धरने से बैठे ने अपने पुत की जो मौत हुई है कतल होया उसकी इंसाफ की मांग उन्होंने वालों की जा रही। उन्होंने कहा कि मजबूरी वश उन्होंने अज इतने बाहर धरने से बहना पैया। कांग्रेसी विधायक प्रताप बाजवा वीर शामिल ने पंजाब विधानसभा पहुंचे ने सिद्धू मूसेवाले के माता पिता और सरकार से भी इतने वरदे हुए नजर आए ने कि हले तक उन्होंने इंसाफ नहीं मिले। जो गैंगस्टर फड़े गए ने महज गुरगे ने जो असल साजिशकर्ता ने जिन्होंने व्योंदबंदी की है सानू तकरीबन 10 महीने हो गए भी असी आपदे संजम तो कम लै रहे सी भी साडे करके पब्लिक नू कोई हरासमेंट ना होवे जां किसी का कोई नुकसान ना होवे। हुण अक के कल जदों विधानसभा दे विच बाई जी वर्गे बोले उन्हां नू बचा लो उन्हां दी गल कट्टण दी कोशिश की जानी कि शुभ दी गल तां छेड़नी नहीं दित्ती सानू अज मजबूरन फिर इत्थे आ के आप बैठना पिया। हो सकता असीं इत्थे तक भी ना पहुंचदे साडे बैठे वीर जी सत्कारयोग इन्होंने सानू इत्थे तक पहुंचाया। हो सकता साडी गुंगी बोली सरकार तक साडी कोई मतलब कोई आवाज पहुंचे। साडे कमाऊ पुत नूं मार के इह जेलां दे विच नाम लै के कहिंदे आ अंकित सिरसा वर्गे भी असीं पंजाब च आ के सोडा सिद्धू मूसेवाला मारता साडा कर लो की करना है ये साडे मूंह ते चपेड़ है एक किस्म दी। सानू कोई कोई असीं कोई सैटिस्फाई नहीं हैगी उन्हां तों
डिमांड तो असं यही करते हैं जो साजिश घाड़े है असं नाम रिटर्न च भी दे चुके उन्होंने भी उन्होंने फट के उन्होंने बनती कार्रवाई करी जाए जेडे शूटर ने इन्हों गोली के बदले गोली दी जाए सजा मार दी जाए मौत की सजा असं विधानसभा तो आए जो इतने किसी की गल भी नहीं सुनी जा रही विधानसभा के उन्होंने बचालों गल कट्टी जा रही है असं अचानक मजबूर न होकर इतने आके बैठे हैं अपना व्यू पॉइंट समझना इथे ना हुई उठना नहीं कहे फोर्स लिया धक्के चुके लिया लै चल जिथे अगे लैके छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए जिथे कि सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता पंजाब विधानसभा दे बाहर अपने पुत दी इंसाफ लई फिर गुहार लगांदे ते सरकार ते निशाना साधदे नजर आए ने कि इत्थे जेलां दे विच कहना बोलो कि कहना बोलो मैं कुछ नहीं मैं खुला टाइम है कोई प्रॉब्लम नहीं गल बिल्कुल जी हिंदी में बताइए सर क्या डिमांड है सर आप लोग यहां धरना देने आए सर आज सर मेरी डिमांड ये है 11 महीने हो चले बेटे की मौत हुई को अभी मेरा जरा केस है वहीं का वहीं रुका हुआ है जो केस के मास्टरमाइंड है वो नहीं पकड़े जा रहे और उनके मैं बाई नेम नाम भी रखे हैं उनके ऊपर गौर वो बंदे गिरफ्तार नहीं किए जा रहे अभी तक क्या धमकी भी सर मिली आपको ऐसा सुना धमकी एक नहीं डेली मंगवा रही है 18 को आई 24 को आई 27 को आई तो पुलिस की कार्य प्रणाली साहब संतुष्ट नहीं है पंजाब पुलिस जो कर रही है पुलिस कर रही है वो बंदा ट्रेस हो गया है उसको पकड़ के लेंगे अभी बोलते हैं जुबनाइल है वो अब आपको क्या उठने के लिए कहा जा रहा है यहाँ से उठना उठेंगे तो नहीं है गिरफ्तार करके जल्द मत ले जाओ सिक्योरिटी वाले बोल रहे हैं गौर जी कि इसके एमएलए को अलावा कोई देखो मैं पीसफुली देखो मेरे खाली हाथ है मैं कुछ भी नहीं मैं अपनी फरियाद लेकर आया हूँ क्योंकि मेरी बात को सुन नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ अगर आपको फिर भी कोई मैं कानून के खिलाफ लगता हूँ तो मेरे को गिरफ्तार करना देखो मैं आज कम स्टार्ट कर दिया और इसके बाद मैं रोड के ऊपर ही मिलूंगा आपको कभी कहीं कभी कहीं ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ गिरफ्तार करना कर ले क्योंकि इतने जो साजिशकर्ता ने उन्होंने हूं तक काबू नहीं किया गया ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਵਿਖਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਖੁੱਲਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇ ਚ ਗਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ
और जिन्ने दिन इन्हों का सैशन चलूगा मैं बैठूंगा। प्रभावित नहीं जी, खत्म किया जा रहा है। जांच खड़ी कित्थे है तुसी दसो? एडी वड्डी सैलीब्रिटी का कतल होया है, विश्व दियां जिहड़ियां ब्रिटेन दी तुसी ला लो अपनी इंग्लैंड दी संसद दे विच रौला पैंदा है। सिद्धू मूसेवाला साहब के पेरेंट्स नू विश्वास दवाए कि तुसी इन्नी दूर आए हो। मैं इस गल की माफी मांगना, तुहानू मानसे तो इत्थे आना नहीं सी चाहिदा, पर जे तुसी परेशान हो, जे तुहानू कोई धमका रहा, तुहानू कोई डरा रहा, मैं जिम्मेवारी लऊंगा। दूसरी गल, उस तो अलावा जिहड़ी सारे नू मेन है, जिहड़े भगवंत मान दे स्टाफ दे विच इहदे अपने मीडिया एडवाइजर ने, जिहड़ा परिवार नू इह लगदा है जिदन सिक्योरिटी घटाई गई है, जिहड़ी सिक्योरिटी घटाई गई है, उस टाइम उस आदमी ने आ पोस्ट पाई है, सारे प्रेस वाले पढ़ सकते, उन्हें सारियां नू एंड जिहड़े मारन वाले ने, जिहड़े मारन वाले ने उन्हें बकायदा तौर यह गल कही है कि सानू जदों इस गल का इलम होया कि सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी घट गई, उदों ही असीं अपने शूटर्स नू किया कि हुण टाइम है स्ट्राइक करन दा। इन्हां लोकां दे खिलाफ इमीजिएटली FIR दर्ज होए, इहदा अपना स्टाफ जिहड़ा ते इन्हां दी अरैसट इमीजिएटली असीं सीक करने आ, ते चीफ मिनिस्टर आके बाहर अशोरेंस दे कि मैं अपने स्टाफ मैंबर्स जिहड़े इस कानूनी हरकत दे विच पार्टी सन, जिन्हां ने इन्नी वाइटल इंफॉर्मेशन दे के पंजाब दा यूथ आईकॉन हमेशा वास्ते साडे तो दूर कर दिता, उन्हां नू कॉन्सपरेसी दे केस दे विच, इस मर्डर दी कॉन्सपरेसी दे केस दे विच पुलिस फिर रह के इनवॉल्व भी करेगी, पहले तो उन्हां नू अपने स्टाफ चो इमीजिएटली कढे, FIR दा हिस्सा बनाए, 120B दे विच उन्हां दा नां दर्ज होए, इन्हां दी अरैसट होए, ते बाहर आके विधानसभा फैमिली नू अशोरेंस दे। ये अज फैमिली दी मंग है, ते सारी इंडियन नैशनल कांग्रेस ते सारे MLAs दी अज मंग है। इसका हर पंजाबी दे मन च है कि इस परिवार नू जस्टिस मिलनी चाहिए, सो असी अपने वाला काम अजे कोई 35-40 मिनट पोस्टपोन किया, उस तो बाद अगे असी असैम्बली दे विच जाना नहीं जाना कि माफ़ी मन मंगन नू या रिग्रैट करन नू चीफ मिनिस्टर राजी होया कि नहीं होया, ये सारिया चीज़ा अंदर डिलीबरेट होणगियां, तो उस तो बाद बाकी दी असी कार्रवाई जिहड़ी तुहानू आ के मार। सो लगातार इत्थे हुण धरने ते बैठे ने सिद्धू मूसेवाल दे माता पिता, उत्थे प्रताप बाजवा नज़र आ रहे ने, जिन्हां दा मनना है कि इत्थे ये जो परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा, और आखिरकार मजबूरन ये परिवार जड़ा है माता पिता सिद्धू मूसेवाल दे ओ इत्थे पहुंच तंदुरुस्ती हार्ट पेशेंट हो चुके हैं दोनों, वजह की है क्यों न पै जा रहा साडा केस की, मैं मेरा पुत सरकार दा कमाऊ पुत सीगा, साडा इको ही बैंक अकाउंट है, असी बड़ी इमानदारी नाल सरकार नू टैक्स पे कीता है, 2 करोड़ रुपया एक जिमीदार दे जवाक लई कोई थोड़ी छोटी गल नहीं, और मिलिया की सानू 4 गनमैन दिते, फिर असी बलतेज पन्नू के खिलाफ आदे पोस्ट कितने है आ पढ़ो पोस्ट, 28 तरीक न विवादित गायक सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी वापस ले ली जाती है, अगले दिन जो वह मारा जाता है तो सब तो पहला खबर इन्हों की आ जाती है, दसो सिक्योरिटी किने लीक की, गैंगस्टर अनाउंस करके दसया गया भी अच्छ सिद्धू मूसेवाले ने हथ अच घर भी बढ़ जाओ, जे जे मेरा पुत जवार के ना के रह जाता तो उन्होंने रात नूं घरे वड़ के खिड़की विच दी गदेड़ सिट के मार देना सी, साडे घरे वड़ के हमला करना सी। देखो असी आजाद मुल्क दे विच रह रहे हैं, साडी पोजीशन देखो किहो जी है, मैं दसो की गलत काम करना हूँ कि मैं आपदे जवान पुत दी पैरवाई केस दी ना करा, 18 तरीक नूं धमकी आ गई,
24 ਨੂੰ ਆ ਗਈ 27 ਨੂੰ ਆ ਗਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫੜ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਵਾਲਗ ਹੈ ਨਵਾਲਗ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ मेरे बच्चे ने बहुत हाथ बन्ने सिक्योरिटियां लई आ पिछे रंधावा साहब बैठे ने ते मैनू कह दिंदे ने तुसी कोई कांग्रेसी स्टंट कहू कोई कुछ कहूगा पर जिन्ना चिर रही मेरा बच्चा बचा लिया जिदे सरकार बदल गई भीरो मैं कखों हौला होके बह गया सीधी गल मैं दसा जिहड़ी गल करी है किसी ने मदद की है मैं कहूंगा उस गल तो मैनू कोई इतराज नहीं इस गल ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ